नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो मैंने टेलीग्राम चैनल में दे रखी है, तो वहाँ से टेलीग्राम में जाके आप वहाँ से ये फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद दोस्तों, आप नोट वीडियो एप्लीकेशन में वो जो फाइल है उसको खोल के फ़ोटो चेंज करके आप खुद का स्टेटस और रील्स बना सकते हो। तो दोस्तों, अभी अपने ये जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको टेलीग्राम खोल लेनी है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन खोलने के बाद सर्च में आपको लिखना है दोस्तों VIP एडिटिंग लिखना है, और ये जो चैनल है वो खोल लेनी है। तो दोस्तों, VIP एडिटिंग चैनल में मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको जो एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़कायवर एप्लीकेशन की, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़कायवर एप्लीकेशन आपको खोल लेनी है। एप्लीकेशन खोलने के बाद जिस भी फोल्डर में आपने जो प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड की हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है। फोल्डर खोलने के बाद आपके पास एक ऐसी फाइल आ जाएगी जो कि रार फाइल है। तो दोस्तों, रार फाइल आने के बाद आपको उसके ऊपर इस तरह क्लिक कर लेना है। बाद में आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर लेना है। एक्सट्रैक्ट हियर पर जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है। उसके अंदर बीच बीच में पासवर्ड डाला गया है, वही पासवर्ड आपको डालना है। तो दोस्तों, अभी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूंगा। तो दोस्तों, ओके करते ही ये जो रार फाइल है यहाँ पे जीप फाइल में कन्वर्ट हो गई है। तो दोस्तों, इतना होने के बाद आपको यहाँ बाहर आ जाना है, और जो मेन एप्लीकेशन है नोट वीडियो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन इस तरह खोल लेनी है। एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ये जो तीन लाइनिंग है वहाँ क्लिक करना है, नीचे जाना है और माय फाइल्स पर क्लिक करना है, और इंटरनल स्टोरेज में जाना है, और जिस भी फोल्डर में आपने ये जो प्रोजेक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट की हो वहाँ पे चले जाना है, और ये जिप फाइल आपको ले लेनी है। तो जिप फाइल पर क्लिक करना है और डन कर देना है आपको। तो दोस्तों, नोट वीडियो एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे ऊपर फाइल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उस फाइल पर इस तरह आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, फाइल पर क्लिक करते ही दोस्तों ये लोड होके यहाँ पे फाइल खुल जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो ग्रुप पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ग्रुप पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने फ़ोटो दिए गए हैं, PNG फ़ोटो है। तो दोस्तों, और कोई बैकग्राउंड फ़ोटो भी दिए गए हैं अंदर। तो दोस्तों, यहाँ आप कोई भी फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ से वीडियो के इस तरह आगे आ जाऊँगा, इस तरह आगे आऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हो ये फ़ोटो दिया गया है, तो मैंने उसका नाम योर फ़ोटो करके लिखा है। तो दोस्तों, आप फ़ोटो कोई भी चेंज कर सकते हो। तो ये फ़ोटो चेंज करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये वाला जो फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है, और ये तीन लाइनिंग पर आपको क्लिक कर लेना है, और दोस्तों आपको रिप्लेस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इमेज पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोटो होंगे जो भी फोल्डरों में, वो सभी फोल्डर यहाँ आ जाएंगे।
तो यहाँ से आपको कोई भी कटिंग किया हुआ फ़ोटो आपके पास पड़ा हो या PNG फ़ोटो हो वो आपको ले लेना है। तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं ये जो फ़ोटो है वो चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो मैंने लिया दोस्तों, बाद में नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से वीडियो के आगे आएंगे जहाँ फ़ोटो अपने को दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोटो चेंज होके आ गया है। तो दोस्तों अभी ये फ़ोटो को आप सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप उस फ़ोटो को जो साइज़ है उसकी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी मदद से आप फ़ोटो को आजू बाजू कर सकते हो दोस्तों, और इसकी मदद से फ़ोटो को आप ऊपर नीचे इस तरह कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप कोई भी फ़ोटो सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इतना होने के बाद ये वीडियो सेव करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक ग्रीन बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।